हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज पर निबंध, तो आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में निबंध लिखेंगे, जो एक बहुत ही महान और क्रांतिकारी और महान योद्धा थे, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक वीर योद्धा और महान शासक थे। उन्नीस फरवरी 1630 में जन्मे शिवाजी महाराज सत्रहवीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जीजाबाई था और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में शासन और युद्ध कला में महारत हासिल की। उनकी नेतृत्व क्षमता और गुरिल्ला युद्ध नीति
गुरिल्ला युद्ध नीति ने उन्हें मुगल और अन्य शक्तियों से लड़ने में सक्षम बनाया। शिवाजी महाराज ने समाज में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए न्याय और समानता पर जोर दिया। उन्होंने मराठी और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया जिसने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में किसानों और सामान्य जनता को अधिक समर्थन और संरक्षण
प्रदान किया गया किया गया। शिवाजी महाराज की वीरता वीरता नेतृत्व कुशलता और जनता के प्रति उनकी सेवा भाव उनकी सेवा की भावना उन्हें एक महान नायक बनाती है। आज भी उनका जीवन हम भारतीयों को प्रेरित करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे जो शिवाजी महाराज जी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने एक महान योद्धा और कितने बेहतरीन महान शासक थे और कितने महान नायक थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको लोगों को धन्यवाद।